तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका हमारे बिल्कुल नए वीडियो में। और गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैटल रॉयले मोड के लिए पांच सबसे बेस्ट गन्स के बारे में। उसी के साथ मैं आपको उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों बताऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन गन्स को यूज करते टाइम आपको किन चीजों का ध्यान रखना है जो आपको नहीं करनी है, तो आप इन गन्स का मैक्सिमम एडवांटेज ले पाओगे। मतलब काइंड ऑफ गाइड है ये टिप्स एंड ट्रिक्स वाली, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए पूरा देखना, और सबसे पहले मुझे कमेंट करके बता दो कि आपके हिसाब से आपकी फेवरेट कौन सी पांच गन्स हैं जिनको आप बैटल रॉयले में चलाना पसंद करते हो। उसी के साथ इस वीडियो को एक लाइक, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से लाल करके सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लेना। तो गाइस, नंबर पांच पे है MP40। MP40 की स्ट्रेंथ है इसका हाई रेट ऑफ फायर, और इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है इसकी रेंज। अब यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ की सबसे पहले बात करें तो गेम के अंदर सबसे ज़्यादा रेट ऑफ फायर वाली गन MP40 है, और इसीलिए MP40 के अंदर आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा बुलेट एनिमी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। मगर यहाँ पे दो सबसे बड़े फैक्टर है जो आपको इस चीज़ करने से रोकते हैं। सबसे पहला है इसका रिकॉइल। अगर आप ऐसा चाहते हो कि मैं बंदे को 20 गोली लगा दूंगा तो बंदे को ज़्यादा डैमेज आ जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता क्योंकि इसका रिकॉइल बहुत ही ज़्यादा है। और अगर आप 10 से ज़्यादा बुलेट कंटिन्यूसली फायर करते हो तो आपका रिकॉइल कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, और बंदे के ऊपर कनेक्ट करने के बजाय आड़ी टेढ़ी गोलियाँ चलनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आपको रिकॉइल कंट्रोल आना चाहिए अगर आप इस गन को चलाना चाहते हो। दूसरा, इसकी रेंज बहुत ही कम है, और इसीलिए आप इसको ऑलवेज शॉर्ट रेंज में यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई स्कोप नहीं लगता है। और इसीलिए अगर आप बंदे को सुपर लॉन्ग रेंज में या फिर लॉन्ग रेंज में मारने की ट्राई करोगे तो उसको दो दो पांच पांच का डैमेज आएगा, और वो बंदा इजीली ग्लूअल डाल के आपको आइडेंटिफाई कर लेगा कि यहां पे एनिमी है, और फिर वो आपको अच्छी तरह से इनकाउंटर कर पाएगा और आप इस गन से एम्बुश नहीं ले पाओगे। तीसरा एक बड़ा फैक्टर है इसका डैमेज। अगर सामने वाले बंदे ने अच्छा वेस्ट और हेलमेट पहना है तो आपको मैंडेटरी है कि हेडशॉट निकालना पड़ेगा, अदरवाइज उस बंदे को फिनिश करने के लिए आपको 3 मैगजीन पूरे यूज करने पड़ेंगे। नंबर 4 पे आती है AK। AK की बात करें तो गन की सबसे पुरानी गन्स में से एक है, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका हाई डैमेज। ये गन इकलौती ऐसी गन है जो आपको डैमेज, रेंज और फायर रेट तीनों प्रोवाइड कर देती है, मगर इसके सामने ये एक बहुत ही बड़ी वीकनेस लेके आती है जो है इसका रिकॉइल। अगर आपको रिकॉइल कंट्रोल करना नहीं आता तो AK चलाने का कोई मतलब नहीं है। आप बंदे के ऊपर एम रख के गोली भी चलाओगे, उसको एक या दो कनेक्ट होगी, बाकी की सब आड़ी टेढ़ी चली जाएगी। तो AK एक ऐसी गन है जिसको चलाने के लिए आपको हाई स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, मगर वो स्किल्स यूज करने पर आपको रिवॉर्ड भी तगड़ा देती है। और उसमें भी अगर आपके पास कोई अच्छी सी गन स्किन है, स्पेशली ईवो स्किन है, तो भाई आप अनस्टॉपेबल इसे चला सकते हो लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज और काइंड ऑफ अ शॉर्ट मीडियम रेंज के अंदर, क्योंकि इसकी गोली कई बार विथाउट वेस्ट और हेलमेट आपको 40-40 तक का बॉडी डैमेज दे सकती है। नंबर 3 के ऊपर आती है MP5, और इसको MP40 के ऊपर रखने का एक ही एडवांटेज है और एक ही रीजन है, वो है इसकी चिप सिस्टम। इसके अंदर चिप लगती है, और इसको जब आप लेवल 3 पे लेके जाते हो तब ये अनस्टॉपेबल मशीन हो जाती है। यहाँ पे आपको एडवांटेज के तौर पे, स्ट्रेंथ के तौर पे दो चीज़ें मिलती है, एक है रेट ऑफ फायर, दूसरी है रेंज, इसमें स्कोप लग सकता है। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका डैमेज। अगर आपके पास MP5 है तो आपको बहुत ही डिसेंट रेट ऑफ फायर मिलेगा, और उसमें भी अगर आपके पास रेट ऑफ फायर की गन स्किन है तो भाई भूल जाओ आप, ये गन चीर फाड़ मचा सकती है। दूसरा, इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छी रेंज मिल सकती है, तो आप ऑलमोस्ट 10 मीटर से 40-50 मीटर तक इजीली इस गन से बैटल कर सकते हो। इसका एम असिस्ट बहुत ही अच्छा है, अगर आपका हाथ बैठ चुका है तो इससे आप सिर्फ रेड नंबर भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये गन्स बहुत ही अच्छे बंदे बहुत ही सॉलिड तरह से चलाते हैं। मगर इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज सिर्फ इसका डैमेज है, और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर सामने वाले बंदे के पास अच्छा वेस्ट और हेलमेट है, और आपके पास अगर हया तो नहीं है, आर्मर पेनिट्रेशन नहीं है, तो आप 4-4, 5-5 का बॉडी शॉट दोगे और 25-25, 30-30 का हेड शॉट मारोगे। तो इस चीज़ का आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि आपको MP5 चलाते वक्त हेड शॉट ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करने हैं, और दूसरा, बंदे को प्रॉपर रेंज में रखना है। MP5 में स्कोप लगता है, आप 4x स्कोप भी लगा सकते हो, मगर 4x स्कोप में सुपर जूम करके, मतलब जूम करके बहुत दूर बंदा है उसके ऊपर अगर आप कनेक्ट करोगे तो 5-7 का डैमेज देगी, और वो बंदा ग्लूअल डाल के आप कहाँ वो आइडेंटिफाई कर लेगा। अब नंबर 2 की बात करें तो वो है मेरी पर्सनल फेवरेट AWM। AWM एक ऐसी स्नाइपर है जो टिपिकली आपको सिर्फ एयरड्रॉप में ही मिलती है, और यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। आप AWM को सिर्फ एयरड्रॉप से निकाल सकते हो, तो आपको
ऑलवेज एयरड्रॉप पे जाना पड़ता है इसको लेने के लिए। अब इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं तो वो है इसका डैमेज। एक गोली 150 का डैमेज देती है और उसमें भी अगर आपके पास अच्छी सी गन स्किन है तो 165 का डैमेज देती है। 200 एचपी वाले बंदे को जब 165 की पड़ती है ना तो पहले ग्लूअल डाल के खुद को बचाने की कोशिश करता है और शायद यही इसकी वीकनेस भी है। अगर आपको गन स्विचिंग प्रॉपर नहीं आती है या फिर आप डबल स्नाइपर चला रहे हो और आपके पास साइलेंसर नहीं है तो प्रॉबेबल चांस है कि बंदा 165 मारने के बाद खुद को बचा ले। दूसरा, इसको यूज करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट गेम प्ले की जरूरत पड़ेगी। तो जो बंदे हाई सेंसिटिविटी सुपर हाई डीपीआई पे खेलते हैं ना उनके लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाला है इस गन को चलाना, क्योंकि AWM चलाने के लिए आपको लो सेंसिटिविटी और हाई एक्यूरेसी वाला गेम प्ले चाहिए जो कि अभी कम्युनिटी में बहुत कम बंदे कर सकते हैं। अब बात करते हैं 100 स्टॉपर नंबर 1 की और वो है नन अदर देन स्कार। स्कार को नंबर 1 पे रखने का सबसे बड़ा रीजन है उसके चिप्स। स्कार ऑलवेज अपने हाई रेट ऑफ फायर के लिए जानी जाती है और लास्ट 2B अपडेट में स्कार का जो डैमेज था उससे भी बम्प अप किया गया था, रेट ऑफ फायर को भी बम्प अप किया गया था। उसके साथ उसमें चिप भी इंट्रोड्यूस हुई थी 2 OB अपडेट के पहले और इसी वजह से जब इसको आप लेवल 3 पे अपग्रेड करते हो तो इसका रेट ऑफ फायर, इसका डैमेज और इसकी रेंज तीनों बहुत ही ज्यादा हो जाती है। हालांकि इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका डैमेज। अगर आपके सामने कोई ऐसा बंदा है जिसने वेस्ट हेलमेट अच्छी पहनी हुई है तो आपको मैंडेटरी उसको हेडशॉट से निकालना पड़ेगा। हालांकि लॉन्ग रेंज में ये चीज़ आपको फेस करने को मिलेगी, अगर आप मीडियम रेंज या शॉर्ट रेंज में हो तो स्कार भी आपको 20-25 का बॉडी डैमेज तो दे ही देगी। तो ये चीज़ का ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि स्कार से खेलते टाइम मैक्सिमम ड्रैग हेडशॉट्स का यूज़ करें और स्कार एक लौती ऐसी गन है AR कैटेगरी में जो कि आपको इजीली ड्रैग हेडशॉट मारने में मदद करती है। मैंने सबसे ज़्यादा ड्रैग हेडशॉट मारते हुए बंदे स्कार से ही देखे हैं। तो बस यही था, खत्म करते हैं, लाइक सब्सक्राइब करके जाना। टाटा बाय बाय, कीप प्लेइंग द फ्री फायर मैच।